हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो हमने एक एडोप शेयर किया था, यहाँ पे आपको 70 मिलियन क्रिप्टो टोकन यहाँ पे मिलना था, जिसने भी 21 मार्च 2022 से पहले ट्रांजेक्शन की थी। कहाँ पे? वन हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन ऑन यूनिस्वैप ऑन इथेरियम एंड एटलीस्ट 20 अदर हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन ऑन इथेरियम बिफोर मार्च 1 2022 तक। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी आकर रिक्वायरमेंट होता तो आपको वहाँ पे 500 या 750 टोकन आपको मिल रहे थे वहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है वन हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन ऑन पैनकेक स्वैप ऑन बीएनबी चेन एटलीस्ट 20 अदर हिस्टोरिकल, मतलब कुछ भी था कि बीएनबी चेन या पैनकेक स्वैप में करना था। ठीक है, तो यहाँ पे उस समय आपको क्लेम करा था, यहाँ पे इन्होंने बोला इफ़ यू वैलिड ट्रांजेक्शन बिफोर 1 मार्च आर्बिट्रम बीएससी इथेरियम नेटवर्क थे, किसी में भी आपने ट्रांजेक्शन की होती तो आपको ये एडोप दे रहे थे आर्बिट्रम नेटवर्क में। ठीक है, कोई इथेरियम नेटवर्क में नहीं दे रहे थे, आर्बिट्रम नेटवर्क में दे रहे थे। और उसकी वैल्यू कितनी थी तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे ट्वीट भी लिंक दिया था कि ये ट्वीट लिंक है, यहाँ पे आएंगे तो इन्होंने ट्वीट किया था 18 सितंबर को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे शेयर किया था 20 सितंबर को। ठीक है, तो मैं थोड़ा लेट था। तो यहाँ पे जैसे हम डालते थे, कुछ लोग कमेंट डालते हैं। ठीक है, तो कमेंट एक बार हम पढ़ा देते हैं आपको। मेरा 750 टोकन दिखा रहा है लेकिन हार्वेस्ट नहीं हो रहा। ठीक है, इंस्टेंट उस दिन हो रहा था मगर थोड़ी देर बाद ये बंद हो गया था, अगले दिन चालू हो गया। ठीक है, $2 का तो है टोकन, आरबीट्रम के लिए दिक्कत थी। ठीक है, तो यहाँ पे इनको उसमें $1.7 की वैल्यू थी 750 क्रिप्टो टोकन। ठीक है, क्लेम हो रहा था बहुत इजी, हार्वेस्ट भी तुरंत हो रहा था। ठीक है, मेरा तो तुरंत हो गया था, मुझे लगा कि 30 से हाँ, ये हंसने लगा बंदा। ठीक है, $1.7, ये भी बंदा बहुत हंस रहा, दबा दबा के हंस रहे है। ठीक है, तो इज दिस लेजिट और स्कैम? ठीक है, स्कैम होता तो मैं यहाँ पे क्यों शेयर करता, मुझे लगता कि भैया मैंने किया है तो मैं भी आप लोगों को बताओ। ठीक है, ठीक है भैया, मैं यहाँ पे क्यों शेयर करता अगर लेजिट नहीं होता। ठीक है, मुझे तो पूरा स्कैम लग रहा है। ठीक है, ये बंदा बोल रहा है मुझे तो, आदित्य जी मुझे तो पूरा स्कैम लग रहा है, दे आर आस्किंग कन्फर्म द बाइंडिंग इन्विटेशन रिलेशन। ठीक है, तो इन्विटेशन का था चक्कर, तो मैंने यहाँ पे शेयर किया था, तो उन्होंने बोला कि इन्वाइट करने के लिए कुछ समथिंग किया इन्होंने। आई लुकड इन टू यस्टरडे एंड इट जस्ट नॉट वर्थ एनीथिंग एवन इफ इट्स लेजिट एवरी वन डेट इन द कमेंट से दे रिसीव 1K टोकन एट द मोस्ट विच इज लाइक $1 के, $1 का बता रहे। ठीक है, ये लेजिट है क्या? सब ने बोला यस लेजिट है, बट कुछ भरोसा नहीं कर सकते, न्यू एडो को क्लेम करके सेल करके परमिशन रिवोक कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि ये सही बात है, अपना क्लेम करके आप कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, तो बिल्कुल ना के बराबर थी। 1000 कॉइन की वैल्यू 1.6 यूएसडीटी है। ठीक है, हंसने लगे ये भाई साहब, 130 रुपये क्या बात है, उसमें यहाँ 1000 कॉइन में 30 प्रकार से कुछ कमेंट थे जो हमने यहाँ पे देखे। ठीक है, और कमेंट हम यहाँ पे चेक करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी रियलिटी क्या है। ठीक है, तो हमारे दूसरे चैनल में कमेंट एक बार चेक करते हैं, दूसरा हमारा चैनल है ये। ठीक है, इसमें हम कमेंट पढ़ते हैं न्यू, तो ये 20 तारीख को दिया था, मैंने कोई रिमाइंडर नहीं दिया था, 20 तारीख को दिया था ये, और ये 5-6 दिन चला था, शायद एक हफ्ता चला था पूरा आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 48 कमेंट थे इसमें। ठीक है, इस वैलिड सेफ इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बाइंड फेल्ड आ रहा था, समथिंग वाज इट्स शोइंग बाइंडिंग फेल। मुझे तो क्लेम पेज का रेफरेंसिंग कौन देता है? ठीक है, रेफरेंस कौन, हाँ वो मुझे भी लगता था, मगर मुझे लगा कि भैया ये तो मुझे लगा भैया हाँ स्कैम नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको दे सकता है, कोई भी प्रोजेक्ट अपना तुक्के में या कुछ दिखाने के लिए किसी को आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। तो अभी वैल्यू कितनी मैं आपको दिखाऊंगा, अगर कोई कर रहा है तो बताना। ठीक है, रेफर तो उस में होता है जो कम्युनिटी बड़ा करना चाहती है, और ये क्लेम एडोप का कम्युनिटी बड़ा करेगा। ठीक है, तो मुझे भी इसमें झोल लगा था भैया, ये 99% ऐसे स्कैम होते हैं जो रेफरल लिंक के जरिए से एडोप होता है। ठीक है, मगर मैंने बताया था, तो मैंने बहुत सब नहीं बताता, मैं कुछ कुछ बताता हूँ। 750 टोकन की वैल्यू $1 आफ्टर कंप्लीशन प्रोसेसिंग नथिंग इज जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कर लिया, 750 टोकन यहाँ पे आपको मिल गए थे, हार्वेस्ट भी आराम से हो गया था 750 टोकन। ठीक है, कितना टोकन मिले तो 1.7 डॉलर, यहाँ पे प्राइस इज $002। ठीक है, तो 500 टोकन आपने सबने यहाँ पे इंस्टेंट यहाँ पे क्लेम कर लिया था, आपका कुछ भी नहीं जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे 750 टोकन आराम से यहाँ पे कर लिया था। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रजिस्टर करने के 500 टोकन, इन्वाइटेड के 250 टोकन यहाँ पे मिल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ था, उसके बाद 50 उन्होंने 50 देने लगे, ऐसे ऐसे करके देने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है आप चेक कर लो, रिवोक लिंक कुछ भी नहीं है, पर क्रिप्टो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, एलजेक्स नाम का लेजेंड नेटवर्क को टोकन है, इसमें एडोप का रिवार्ड नहीं दिया, तो प्ले स्टोर भी रेटिंग गिरा दिया, और सब की बात कर रहा हूँ जो 50x हो गया है। ठीक है,
एक बार में 50x हो गया, ठीक है, 45x हो गया, ठीक है, और आज की बात कर रहा हूँ तो एक बार में 45x हो गया, ठीक है। ये सेम कहानी इसके साथ भी नोट रिसीव्ड, तो यहाँ पे हम दिखाते हैं अभी रेट क्या चल रहा है, ठीक है। तो रेट क्या चल रहा है इसका, हम एक बार चेक करते हैं इसका रेट। चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे डेक्स टूल में, ठीक है। तो हमें जो टोकन मिला था यहाँ पे मिला था 002 में, ठीक है, यहाँ पे मिला था 002 में, ये जो 005 दिखा रहा है। अब देखिए 002 से इसकी वैल्यू देखिए आप, 002 की वैल्यू थी बहुत नीचे था, 002 में आपको मिला था ये टोकन, फिर उन्होंने पंप करके यहाँ पंप किया, यहाँ पंप किया, मैंने दोबारा सेल नहीं किया, फिर मैंने यहाँ पे पंप किया, यहाँ भी सेल नहीं किया, यहाँ पंप किया, यहाँ भी, अभी 0.027 आ गया। मतलब आपका यहाँ से कितना एक्स हो गया आप कमेंट कर बताना, कितना आपका 2x यहाँ पे हो गया। तो आपकी वैल्यू यहाँ पे देखते हैं, सब लोगों को 750 तो मिला ही था आपको, तो लगभग यहाँ पे आपको $20 प्रॉफिट नहीं था, $20 का प्रॉफिट आपको, अगर 1000 आपने किए थे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे $27 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो कुछ एडब का कुछ भरोसा नहीं होता है, तो जो यहाँ पे कमेंट करते हैं हंसते हैं तो उनकी बात में आप सीरियस मत लिया करो। आपको अगर लगता है कि भैया हाँ प्रॉफिट दे सकता तो इसको क्लेम करके रखिए, और $1-2 में कभी भी बेचना नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने इसको बेचा नहीं था ऑलरेडी, $27 का मेरे पास, आप सोच लीजिए मेरे पास कितना हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, $27 ये 1000 टोकन का, तो मेरे पास ऑलरेडी इससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको किसी भी एयरड्रॉप को छोटा नहीं समझना है, अगर आपको हंसी करना है तो प्लीज़ दूसरों को प्लीज़ यहाँ पे करने दिया करो, ठीक है, जो यहाँ पे लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए आप देखेंगे तो यहाँ पे $2 लेके क्या करोगे, ठीक है, $2 की वैल्यू अभी बन गई है $27, ठीक है। अब ये लगभग ये आपको प्रॉफिट कम से कम यहाँ पे $100 का आपको हो सकता है, अगर इसको आप होल्ड करें और ये अपने ताव में दिखा के 0.1 तक ले जा सकता है। कुछ भी क्रिप्टो में भरोसा नहीं है, मगर ये 0.1 तक भी ले जा सकता है, क्योंकि कहीं पे भी अभी यानी एयरड्रॉप में ही दिया है केवल, ठीक है। तो आप चेक कर लो, आपको अभी तक होल्ड है तो आपकी अपना वैल्यू देखो कितनी है, आपने अगर सेल कर दे तो आपको कुछ कह नहीं सकते, मगर जो $1-2 की वैल्यू ना प्लीज़ उसको सेल ना करिए, आप मतलब आप लूटर मत बनिए, ठीक है। $1-2 जो मिल रहे उसको लेकर छोड़ दीजिए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बाकी देखिए नंबर 1 GMX चल रहा है आपके सामने, GMX का ऑलरेडी मैंने कॉल दिया था, जब 30-35 डॉलर में जहाँ तब भी मैंने आपको कहा था GMX ले लो, ये बुल रन में आपको 100, 300, 250, $500 भी जा सकता है, ठीक है। तो ये GMX की लॉन्ग था, और जो मैं पहले भी बताया था अभी भी बता रहा हूँ, GMX आप इसको लेके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड सकते हो, ये आपको बुल रन में अच्छा खासा प्रॉफिट देगा GMX। ओके दोस्तों, ये वीडियो को यही रखता हूँ, ओके, आप लोगों को बधाई हो।